We have talked about assumptions of parametric test and assumptions of independent sample t test and assumptions of t test overall. But uh, how are we going to test these assumptions in SPSS? Yes, SPSS allows us to uh, test each one of the assumptions before we run any statistical test. Uh, let's review what were the assumptions of parametric test quickly. Uh, first assumption, ourity the level of measurement, that all parametric test uh, for the dependent variable. इट uh, शुड be कंटिन्यूस इट शुड be इंटरवल रेशो स्केल इट शुड बी अ रनिंग स्कोर और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए भी यही है टी टेस्ट के लिए भी यही है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंटरवल या रेशो स्केल के ऊपर हो क्वांटिटेटिव हो रनिंग स्कोर हो कंटिन्यूस वेरिएबल हो दूसरी हमारी एजाम्पशन जो थी वो थी रैंडम सेम्पलिंग की पैरामीट्रिक uh, टेस्टिंग के लिए दूसरी एजॉम्पन है कि आप जब सैम्पल ड्रॉ करें फ्राम द पॉपुलेशन इट शुड बी रैंडमली ड्रैंडमली ड्रज़ अ टफ वन इज़ डिफिकल्ट क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग के लिए यू मस्ट नो द टोटल पॉपुलेशन एंड देन यू रैंडमली सेलेक्ट सैम्पल्स फ्राम इट जैसा फर्स करें चिट मैथड है कि मैं क्लास में से निकालना है साम्पल और मेरे पास थर्टी की क्लास है उसमें से पाँच लोगों की मैं तो ईच पर्सन हैज़ अ एक प्रॉबिलिटी ऑफ बींगक्टेड इन अ सैम्पल एंड ईच पसन हैज़ अ नोन प्रॉबिलिटी ऑफ बींगेक्टेड इन अ सैम्पल मोस्टली हमारे थीसिस में स्टूडेंट्स करते हैं कि टी टेस्ट रन करते हैं रैंडमली ड्रॉ नहीं करते लेकिन अगर हम सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करते जाएँ तो मे बी साम्प हम जस्टिफाई उसको कर लेते हैं uh, तीसरी जम्पन हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन की है और इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमारी जितनी भी सैंपल है डेटा के अंदर um, वो सारी हमारी सैंपल और ऑब्जर्वेशन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर यानी कोई भी एक सैंपल या एक इंडिविजुअल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ द अदर पर्सन और सैम्पल इन द डेटा सो इसको सिंपल वर्ड में कह दें कि इंडिपेंडेंट सेम्पल का मतलब है कि दे आर डिफरेंट पीपल इन दाम्पल हु आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यानी एक की प्रेजेंस दूसरे की प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट नहीं हो रही देर इज़ नो रिलेशन देर इज नोट रिपीटेड मेयर बट रादर दे आर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट साम्पल सो लेट्स सी के एस पी एस एस के अंदर पहली एजम्पन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक टेस्टिंग के अंदर कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारी जो अंडरलाइंग पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि अगर हमें अंडरलाइंग पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पन हम मीट करते हैं तब भी हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने याद है कि टी की टेबल वैल्यू देख के और उसकी प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करके हम रिजेक्ट और सिलेक्ट करते हैं नल uh, हाईपोथोसिस को सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पन को चेक करने के लिए एस के अंदर इफ़ यू विल गो टू एनालाइज दैन यू विल गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड देन यू विल गो टू एक्सप्लोर इसको याद कर लें सेव कर लें सो so इन तीनों में से जब आप एक्सप्लोर को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपका एक डिपेंडेंट लिस्ट है जिसमें आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमारा कंटिन्यूस है यू विल सेंड द टेस्ट कोर्स आपका जो फैक्टर लिस्ट है वो आपके ग्रुप्स हैं आप उसको सेंड करेंगे और उसके बाद आप इसमें ऑप्शन स्टेटिस्टिक्स में जब जाते हैं इसको जब आप क्लिक करेंगे स्टेटिस्टिक्स को तो उसके बाद ये वाला बॉक्स खुलता है और उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव को आप चेक कर दें ये आपका मेन स्टैंडर्डिएशन निकालेगा 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेगा और इसके बाद आप आउट को भी चेक कर सकते हैं आउट क्या होते हैं आउट लायर्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द डेटा होती हैं समटाइम्स uh, हमारी जब डेटा डालते हैं हम एस के अंदर तब भी मिस्टेकनली मिस्टेकनलीफर्स करें आपने फाइव दबाया लेकिन वो फिफ्टी दब गए या फिर आपने 90 दबाया है तो 9 दब गए सो so, इस तरह की वैल्यूज़ वो डिटेक्ट कर लेता है एरर्स को और दूसरा ये कि समटाइम्स हमारे डेटा में वाकई एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारा सारा टेस्टिंग हाइपोथसिस और मीन वगैरह जैसा हमने पहले पढ़ा था कि मीन जो है दैट इज़ अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम स्कोर्स तो जब मीन अफेक्ट होता है तो फिर टेस्ट वैल्यूज़ भी इफेक्ट होती हैं सो यूजली हम फिर आउटलाइट्स को डिफाइन करके या डिटेक्ट करके उनको डिलीट कर देते हैं या फिर उनको हम एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं सो यू विल क्लिक दिस यू विल यू नो इसमें आप नॉर्मेलिटी प्लॉट्स को चेक करेंगे और आप हिस्ट्रोग्राम को चेक करेंगे और उन दोनों को चेक करने के बाद आप कंटिन्यू का बटन हिट करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह वो आउटपुट फाइल में आपको सबसे पहले उसका हिस्ट्रोग्राम कैल्कुलेट करके देते हैं हाँ इसके अंदर एक और बात कि आपने यहाँ पर बोथ को टेस्ट करना है बोथ यानी अगर आप डिप्ले uh, कहते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स को डिस्प्ले करे और हिस्टोग्राम्स को डिस्प्ले करे जिससे हम फाइंड आउट कर सकें कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है तो फिर बोथ का मतलब है कि वो दोनों ग्रुप्स के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करके देगा एंड देन यू विल फाइंड आउट कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है तो यहाँ पे जब हमने उसको कंटिन्यू किया ओके okay, बटन किया तो हमारे पास जो पहली आउटपुट फाइल आती है वो हमारे पास हिस्टोग्राम आएंगे हिस्टोग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्विमर्स के लिए है और ये हमारा सॉकर प्लेयर्स के लिए है क्योंकि हमने उसमें बोथ को सेलेक्ट किया था सो दिस इज़ एक्चुअल शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच ग्रुप प्रोबली बहुत सारा आइडियल डेटा नहीं हमारे लग रहा लेकिन लेट्स सी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि हमारा सैंपल साइज़ बहुत स्मॉल है जब हमारा सैंपल साइज़ बहुत स्मॉल होगा तो उसमें हमारा कोई नॉर्मल का पैटर्न इस तरह से नहीं बनेगा इस तरह के केसेस में जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा वो हमारे लिए ये टेस्ट वैल्यू जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी सो so, दूसरे नंबर पे हमारे पास पी पी क्यू क्यू प्लॉट्स ये देता है उसकी आउटपुट के अंदर और पी पी क्यू क्यू प्लाट्स भी हमें नॉर्मेलिटी के बारे में आइडिया देते हैं वट वी रियली वॉन्ट टू सी इन दीज ग्राफ्स कि दीज डॉट्स बेसिकली ये हमारे एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड स्कोरस होते हैं और ये हमारे एक्चुअल होते हैं सो so, अगर हम कहें कि जी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारे स्कोर इस लाइन पर आएंगे तो हमने जो जम्पशन की है कि जिस डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या अंडर पॉपुलेशन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो तो उस अंडरलाइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जम्पन के तहत हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं दे शुड हवर अराउंड दिस स्ट्रेट लाइन दे शुड बी क्लोजली काइंड ऑफ यू नो अकरिंग क्रॉस दिस लाइन और आइडियल ये होगा कि सारे डॉट्स इस लाइन के क्लोज क्लोज आएँ तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा डेटा अंडरलाइन जो है वो तो नॉर्मल तो डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये ऑफ है लेकिन आई थिंक इट इज़ बिकॉज हमारा जो है वो आ, डेटा सेट जो है बहुत छोटा है यानी कि टोटल हमारे पास तेरह का डेटा है और जो सबसे सही वैल्यू जब हमारा डेटा छोटा होता है तो जिस तरह हमने आ, अभी टेस्ट की थी एजम्पन ऑफ होमोजनाइटी ऑफ वेरियंट्स थ्रू लेवेंस टेस्ट एंड वी वॉन्टिड कि लेवेंस टेस्ट की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट और बिल्कुल इस तरह से हम नॉर्मेलिटी के लिए भी कॉलमोग्रोव स्मर टेस्ट की वैल्यू को देखते हैं जब आप उसकी आ, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस पी एस एस मी को कमांड दी थी तो उसके अंदर वो शपेरोवेल के टेस्ट करता है और कॉलमोग्रोव स्मरनव टेस्ट कैलकुलेट करता है सो so, ज़्यादातर जो स्टडीज़ में रिपोर्टेड वैल्यू है वो मैंने देखी कॉलमोग्रोव स्मरनव टेस्ट की तो so इसकी वैल्यू जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू ये है और उसका सिग्निफिकेंट लेवल ये है सो दिस असेस द नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स नॉन सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमने एलेवें टेस्ट के लिए देखे हैं इसमें भी हम चाहते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट हों नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि मीन वन इज़ इक्वल टू मीन टू विच मीन्स पॉपुलेशन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो येस यू कैन सी कि द वैल्यू फॉर बोथ द ग्रुप्स इज़ नॉन सिग्निफिकेंट विच मीन्स वी फेल टू रिजेक्ट द नालाइपोथिस जिसका मतलब है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन uh, जो है वो नॉर्मल है याद रखें कि किसी भी टेस्ट की वो टी हो जी हो जब भी यहाँ पे वैल्यू पॉइंट जीरो फाइव से छोटी आ जाए वन द सिग वैल्यू इज स्मॉलर देन पॉइंट जीरो फाइव इसका मतलब है कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं और रिजल्ट सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और जब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करेंगे तो इसका मतलब हमारा नल हाइपोथिस ये था कि म्यू वन इज़ इक्वल टू म्यू टू यानी वो पॉपुलेशन बराबर हैं वो जिस डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं नॉर्मल है सो so हम वी फॉर दिस टू मीट द एजम्पन ऑफ नॉर्मेलिटी वी वॉन्ट कॉलमग्रोथनव टेस्ट वैल्यू टू बी नॉन सिग्निफिकेंट तो इफ़ इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट यानी इट इज़ ग्रेटर दैन पॉइंट जीरो फाइव तो इसका मतलब है कि यस yes, नॉर्मेलिटी जो है उसकी एजम्पन हमारी मीट हो रही है और हम ना लाए पौ तो को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस डेटा अंडरलाइन जो है वो हमारा या नॉर्मेलिटी के एग्जाम्शन जो है वो मीट हो रही है अदर दैन मीन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो प्रोवाइड सम इंफॉमेशन कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑन कंटिन्यूस वेरिएबल सो हमने देखा कि हम हिस्सोग्राम uh, के जरिए चेक कर सकते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है हम पी पी क्यू क्यू प्लॉट के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्शन मीट हो रही है कि नहीं हो रही हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए शपेरो या कॉलमोग्रोफ के जरिए भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी नॉर्मलिटी के जम्शन मीट हो रही है कि नहीं और इसके अलावा हम सिंपल डिस्क्रिप्टिव्स पर अगर क्लिक करें और उसमें हमारे पास क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू आती है और हमारे नॉर्मल कर्व के अंदर आ, हमारा नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होता है आ, वो स्क्यूड नहीं होता स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आपका कर्व जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड वन साइड जैसे ये हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है यानी ये इस साइड से पिचका हुआ है और ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है लेकिन नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होता है सो so, अगर हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू और हमारी करटोसिस uh, की वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर हो तो तब भी हम uh, ये देख सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजाम्शन मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये भी आप एस पी एस एस के अंदर चेक कर सकते हैं इस तरह से जब आप एस पी एस एस के अंदर डिस्क्रिप्टिव को चेक करते हैं तो वो आपको ये वाला टेबल देता है और इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि वो मिनिमम मैक्सिमम मीन स्टैंडर्डिएशन स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू दी हुई है सो so स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो अगर हमारी माइनस पॉइंट फाइव से प्लस पॉइंट फाइव के दरमियान है तो इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिकल डेटा है अगर ये वैल्यू माइनस वन या प्लस वन से बड़ी हो जाए तो हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि वो स्क्यूड डेटा है सो so आइडियली जो हमारा डेटा है वो स्क्यूनेस की वैल्यू शुड बी बिटवीन पॉइंट फाइव प्लस माइनस के अंदर होनी चाहिए और अगर वन से एक्सीड कर जाए तो फिर तो डेफिनेटली हमारा जो डेटा है वो अगर वो माइनस में है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड है और अगर वो प्लस में है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है सो so, हमारी यहाँ पे वैल्यूज स्क्यूनेस की जो आ रही है पॉइंट सिक्स वन सिक्स है विच इज़ नॉट दैट बैड और इसी तरह कर्टोस uh, की वैल्यू भी आपकी ये वन से ऊपर है तो इसका मतलब है कि सॉरी uh, ये तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है स्टेटिस्टिक्स क्यूनस की और ये हमारी कर्टोस की है दोनों वैल्यूज़ पॉइंट से कम है तो इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिकल है आइडियल कंडीशन में जब हमारा परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें कोई स्क्यू नहीं होता कोई कर्टोसिस नहीं होता सो दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर स्क्यूनेस वैल्यू एंड कर्टोसिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो बट इवन इफ़ इट इज़ फॉलिंग बिटवीन माइनस प्लस पॉइंट फाइव तो फिर भी हम कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिमेट्रिकल लास्ट एजम्पशन हमारी पैरामीट्रिक के लिए ऑफ uh, वेरियंस है ख़ासतौर पर इंडिपेंडेंट शाम पर के लिए और बाकी भी जहाँ हम ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होते हैं जैसे अनोवा है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें वेरेबलिटी बिफोर हैंड जो है वो इक्वल हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसमें वेरेबलिटी ना हो उसको भी हमने अभी टी टेस्ट जब रन किया वी सौ कि हम उसमें लेवेंस टेस्ट की वैल्यू कैसे देखते हैं और सिमिलरली हम चाहते हैं कि एलेवें टेस्ट की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट हो ताकि हम कंक्लूड कर सकें कि वेरियंस बिटवीन द टू ग्रोप्स इज़ इक्वल और बिल्कुल इसी तरह ये उसकी डिटेल मैंने दी हुई है हमने एस पी एस एस के अंदर कर भी लिया हुआ है यू कैन रीड इट एंड वट वी वॉन्ट ये हमारे पास टेबल है ये बिल्कुल आपने देखा है कि हमने कैलकुलेट किया था और uh, अगर हमारी ये वैल्यू पॉइंट ज़ीरो फाइव से बड़ी है तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं जिसका मतलब है कि हमारी इक्वल uh, वेरिएंस की जम्पन जो है वो मीट uh, हो रही है और हम वी कैन एज्यूम के वेरिएंसेस आर इक्वल इन द टू ग्रुप्स